आई होप यू आर वी बी फाइन। सो टूडेज लेक्चर इज अबाउट द एनिमल लाइफ प्रोटोक्टिस्ट। एनिमल लाइफ प्रोटोक्टिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसे आम तौर पर क्या कहा जाता है, प्रोटोजोन्स। कॉमनली दे आर आल्सो नोन एज प्रोटोजोन्स। हमने देखना है कि प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस के बारे में जानना है, इनके करेक्टर्स के बारे में जानना है और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोन्स क्या है? प्रोटोजोन्स इज आर द यूनिसेलुलर। जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर इंटेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स। प्रोटोजोन्स आर द यूनिसेलुलर इंटेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स, मतलब कि ये अपने जो गिज़ा होती है, अपना फूड होता है, उसे इंजेस्ट करते हैं। एंड हेटरोट्रॉफ्स मीन्स कि अपना खुद जो है फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। एंड दे आर प्राइमली एक्वेटिक। जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। इट मीन्स कि वो वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है प्रोटोजोन्स की। दे आर यूनिसेलुलर इंटेस्टिव हेटरोट्रॉफ दैट आर प्राइमली एक्वेटिक। अब जानते हैं हम इसके करैक्टर्स के बारे में। सो लेट्स सी व्हाट आर द करैक्टर्स ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। इसके अलावा सेकंड करैक्टर इसका, दे आर एक्वेटिक। जितने प्रोटोजोन्स हैं वो सब पानी के अंदर रहने वाले जो हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा दे आर इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स। इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स मतलब कि अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं। इसके बाद जो उसका करैक्टर है, डैट इज, इनके अंदर अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो सिंपल सेल डिवीजन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ, इसके अंदर जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है डैट इज फ्यूजन। फ्यूजन के प्रोसेस के जरिए इसके अंदर सेल डिवीजन होती है। फ्यूजन कौन सा प्रोसेस है? इट इज़ द डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू और मोर पार्ट्स। जब सेल डिवीजन होती है दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर तो वो कहलाती है फ्यूजन। और प्रोटोजोन्स के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? फ्यूजन के प्रोसेस के जरिए इनके अंदर सेल डिवीजन होती है। जो सेकंड जो रिप्रोडक्शन की टाइप है डैट इज मेटिंग ऑफ सेल्स, डैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमने जाना अबाउट द सिंपल करैक्टर्स ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, दे आर एक्वेटिक, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो, इनके अंदर सिंपल सेल डिवीजन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, और इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द मेटिंग ऑफ सेल्स। अब जानते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स। तो देखते हैं कि इसके अंदर जो है क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। इसके अंदर तकरीबन 30,000 जो स्पीशीज़ हैं, अबाउट 30,000 स्पीशीज़ को क्लासिफाइड किया गया है। अबाउट 30,000 फिशेज क्लासीफाइड इंटू 5 क्लासेस। 30,000 स्पीशीज़ को कितनी क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है? 5 क्लासेस के अंदर। और इसको किसकी बेस के ऊपर क्लासीफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन की बेस के ऊपर इनको क्लासिफाई किया गया है प्रोटोजोन्स से। बाकी तो सब करैक्टर सेम थे, लेकिन क्लासिफिकेशन की एक बड़ी वजह यह थी कि इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो डिफरेंट पाए जा रहे थे, इसलिए जो है इनको अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। तो अब हमने जाना है वन बाय वन अबाउट लोकोमोटरी ऑर्गन। सो हियर वी विल राइट अबाउट देयर क्लास, देयर लोकोमोटरी ऑर्गन। And obviously with their examples. Number one जो क्लास है इसकी डैट इज फ्लेजिलेटा। इट इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ द प्रोटोजोन्स। फ्लेजिलेटा के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं डैट इज फ्लेजेला।
आहिस्ता आहिस्ता करके हम इनके लोकोमोटरी ऑर्गन को भी अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हाल हम उसकी हाउ नो करते हैं, उसकी डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। फ्लेजिलेटा के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं डेट इज़ फ्लेजिलेला फ्लेजेला, और उसके एग्जाम्पल के अंदर आता है यूग्लेना। यूग्लेना इज़ द मेम्बर ऑफ क्लास फ्लेजिलेटा। इसके अलावा जो नंबर टू पर है डेट इज़ क्लास सर्कोडिनिया। सर्कोडिना के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है डेट इज सीडोपोडिया। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट लोकोमोटरी ऑर्गन, लेकिन इसके थ्रू जो है सर्कोडिना के जितने भी मेंबर्स है वो लोकोमोशन करते हैं। इसकी एग्जांपल के अंदर आता है अमेबा। अमेबा आर द मेंबर ऑफ द क्लास सर्कोडिना। इसके अलावा जो नंबर थ्री है डैट इज सिलिएटा। सिलिएटा इज़ द थर्ड क्लास ऑफ द प्रोटोजोन। सिलिएटा के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है डैट इज सीलिया। सीलिया की हेल्प से जो लोकोमोशन करते हैं, और इसके अंदर जो एग्जांपल है डैट इज पैरामेशियम। हमने जाना कि इसकी होती है फाइव क्लासेस, तो हम देखते हैं कि अब इसकी फोर्थ क्लास कौन सी है। इसकी फोर्थ क्लास है सिक्टोरिया। इनके अंदर जो है टू क्लासेस के अंदर डिवाइड किए गए हैं। यंग जो होते हैं इनके, यंग हैव सीलिया। इस क्लास के जितने भी यंगस्टर होते हैं उनके पास सीलिया होता है, एंड एडल्ट जितने भी होते हैं सेडेंट्री। एडल्ट सेडेंट्री होते हैं, इट मींस फिक्स्ड एट वन प्लेस। सिंपली अगर हम कहें तो वो सीसाइल होते हैं, वो मोटाइल नहीं होते, लेकिन जो इनके यंग वन होते हैं उनके अंदर सीलिया होता है जिसकी मदद से वो लोकोमोशन करते हैं। इसकी एग्जांपल में आता है अकाइनेटा। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अबाउट द फिफ्थ क्लास ऑफ द प्रोटोजोस। जो फिफ्थ क्लास है प्रोटोजोस की डेट इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोन्स के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं डेट इज पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स। इसके अंदर भी कोई स्पेशल लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं पाया जाता है। इसकी जो एग्जांपल है डेट इज प्लाज्मोडियम। सो दीज आर द फाइव क्लासेस विद देयर लोकोमोटिव ऑर्गन एंड एग्जांपल्स। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल टॉपिक अबाउट द एनिमल लाइफ प्रोटोक्टिस्टा, जिसे आमतौर पर प्रोटोजोन्स कहा जाता है। प्रोटोजोन्स आर द यूनिसेल इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स, और जो कि एक्वेटिंग है। इसकी क्लासिफिकेशन जो है फाइव क्लास में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फ्लेजिलेटा सर्कोडिना सिलिएटा एंड सक्टोरिया एंड स्पोरोजोआ, अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।